सो गाइस आज मेरे पास आपके लिए तीन नई मैजिक ट्रिक है, जिसमें होगी एक कार्ड गायब करने वाली, दूसरी होगी बोतल को गायब करने वाली और तीसरी क्या होगी इंसान को गायब करने वाली। तो तीनों बहुत ही इंटरेस्टिंग मैजिक ट्रिक है, ठीक है। अभी क्या करूंगा मैं, पहले जो ट्रिक होगी वो परफॉर्म करके दिखाऊंगा आप लोगों को और बाद में वीडियो के दूसरे पार्ट में, मतलब इसी वीडियो में उसका सीक्रेट भी आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको ये तीनों की तीनों मैजिक ट्रिक जो है वो आ जाएगी आसानी से। सो गाइस अभी आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर रखी हुई एक बोतल, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा भाई इसी बोतल को मैं गायब करने वाला हूँ किस तरह से। अभी देख लीजिए एक और बात है कि ये स्मैश नहीं हो सकती क्योंकि अंदर रखा हुआ है लिक्विड, ठीक है, लिक्विड प्रेस नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी को मैं इसी तरह से गायब करके दिखाऊंगा, स्मैश कर दूंगा, ठीक है, और ये गायब हो जाएगी। बट अभी देखना अंदर लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है गाइस। तो इसको किस तरह से हम गायब करेंगे, यहाँ पर रखा हुआ है मेरे पास एक पेपर, देख लीजिए, ठीक है, एक पेपर है, इसको पहले हम अच्छे से इस पर इस तरह से मैं रोल कर दूंगा, ठीक है गाइस। जैसा कि आप लोगों ने देखा, देखिए बोतल में पूरी तरह से इसके आर पार जो है ना उस कागज लपेट देता हूँ, ठीक है गाइस। अभी देखना आप लोग, जो हमारी बोतल है, ठीक है, इसके अंदर अभी रखी हुई है, ठीक है। अभी देखिए इसको मैं इस तरह से पलटता हूँ एंड देखना अभी मैजिक आप लोग क्या होता है। एक, दो और तीन, देखिए बोतल स्मैश हो चुकी है और गायब हो चुकी है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। बचा क्या है, जस्ट कागज का पीस, देखिए। सो गाइस ये थी वो आज की मैजिक ट्रिक, अभी आप वीडियो को पूरा देखिए, मैं इसका सीक्रेट जो है ना आपको बता दूंगा। सो गाइस जो आज की कार्ड वेनिस मैजिक ट्रिक है ना, मैं इसे दो तरीके से परफॉर्म करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये जो होगा वो पहला तरीका होगा, ठीक है। तो अभी देखिए दो तरीके से होगी ये मैजिक ट्रिक। देखिए मेरे हाथ में कार्ड है, ठीक है गाइस। अभी आप जैसा कि देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये कार्ड है मेरे हाथ में, अभी देखना किस तरह से वेनिस होता है, ठीक है। एक, दो और तीन, देखिए हमारा जो कार्ड था गाइस वो वेनिस हो चुका है, ठीक है। पता चला आपको किस तरह से, तो मैं आपको एक बार फिर से करके दिखा। सो गाइस अभी आप जैसा कि देख सकते हैं ये कार्ड मेरे पास फिर से आ गया है, ठीक है। अभी देखना एक, दो और तीन, देखिए गाइस कार्ड जो हुआ वो अगेन वेनिस हो चुका है। कार्ड गया कहाँ है आपको नहीं पता चला, तो वीडियो को देखते रहिए, मैं इसका सेकंड पार्ट है ना उसमें बता रहा हूँ। सो गाइस अभी आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक कार्ड है, हाथ बिल्कुल खाली और यहाँ पे नॉर्मल सा टेबल है, ठीक है। अभी देख लीजिए इस कार्ड को मैं दूसरी तरीके से, ठीक है, वैसे ट्रिक सेम है बट तरीका कुछ थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अभी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये कार्ड है, इस पर मैं अपना हाथ रखता हूँ और मैजिक से जो कार्ड होता है हमारा वो पूरी तरह से वेनिश हो जाता है, देखिए। सो गाइस वो कार्ड जाता कहाँ है, देखना है तो आप वीडियो को पूरा देखिए। सो गाइस अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इंसान को गायब करने वाली मैजिक ट्रिक। मुझे पता है परफेक्टली नहीं हो पाएगी जैसा सच में जादूगर करते हैं, बस मैं आपको इस तरह से समझाने की कोशिश करूंगा कि सच में जो म्यूजिशियन होता है ना स्टेज पे इंसानों को गायब कैसे करता है, ठीक है। तो आप अभी वीडियो को देखते रहिए, चलिए अभी मैं आप परफॉर्म करने जा रहा हूँ। सो गाइस अभी आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे बैठा हुआ एक लड़का, ठीक है, जिसे मैं वेनिश कर दूंगा, गायब कर दूंगा इस दुनिया से, नहीं सच में मतलब ये इसी तरह से गायब नहीं होगा बट गायब हो जाएगा, ठीक है। अभी आप जैसा कि देख सकते हैं ये यहाँ पे रखा हुआ है और मैंने आपसे बोला है कि मतलब 100% इस तरह से म्यूजिशियन जो करते हैं उस तरह से नहीं होगा बट आपको अच्छा लगेगा और आपको सीक्रेट भी पता चल जाएगा, ठीक है, वो कैसे होता है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इस कपड़े को इस पर ऐसे रख दूंगा, ठीक है गाइस, और बाद में इस लड़के को वेनिश कर दूंगा, ठीक है। तो अभी देख लीजिए इस कपड़े को मैं इस तरह से रखने जा रहा हूँ, ठीक है गाइस, देखिए इस तरह से रख रहा हूँ इस लड़के पे, देखिए देखिए इस पे रख दिया, ठीक है, इस लड़का यहीं पे है। अभी हाथ हिला दो अपने, ठीक है, हाथ हिला दिए, अभी चेहरा हिला दो, ठीक है गाइस, यहीं पे है। तो अभी मैं इसको वेनिश करने जा रहा हूँ, देखिए इस कपड़े को मैं इस तरह से उठाता हूँ, मैजिक कर रहा हूँ, देखिए एंड देखिए लड़का जो वो गायब हो चुका है, देखिए जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लड़का एकदम से गायब हो चुका है। आपने देखा होगा मे बी अगर आपने मैजिक शो देखा है, ठीक है, इस तरह से मैजिशियन जो होता है वो गायब होकर कहीं पे चला जाता है, किस तरह से होता है तो अभी सीक्रेट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। गाइस वीडियो को पूरा देखिए, सीक्रेट आपको पता चल जाएगा। सो गाइस यहाँ पे एकदम सिंपल सा था, ठीक है, अभी मैं आपको एक बार फिर से करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए मैंने क्या किया, इस पे ऐसे रख दिया और ये जो लड़का था वो एकदम से वेनिश हो गया, गायब हो गया किस तरह से, ठीक है। तो चलिए अभी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, देखिए एक बार फिर से परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को बाद में अच्छे से समझ आए, ठीक है। ये देखिए अपने हाथ हिला दो, ठीक है, अपना चेहरा हिला दो एंड गाइस अभी इसको वेनिश करने जा रहा हूँ, मैं इस पर थोड़ा सा मैजिक करूँगा यहाँ से एंड देखिए इसको उठाते ही गाइस यहाँ पे थोड़ा सा मैजिक कर रहा हूँ मैं एंड देखिए एंड अगेन वेनिश हो चुका है, देखिए कहाँ गया, इसके अंदर भी नहीं है, देखिए लड़का जो वो गायब हो चुका है गाइस। कैसे हुआ अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप अभी वीडियो को देखिए क्योंकि मैंने दो बार इसीलिए परफॉर्म किया था कि आप अच्छे से समझ सके। ये
थी वो आज के तीनों मैजिक ट्रिक। चलिए इसके पीछे का सीक्रेट जो ना वो आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि इसका सीक्रेट आप लोगों को पता चल जाए और आप मतलब ऐसे किसी भ्रम में ना रहे कि ये सच में जादू होता है, ठीक है, ट्रिक ही होती है। तो अभी सीक्रेट बताओ, उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो आज की ट्रिक थी वो आप लोगों को कैसी लगी। और हाँ, ऐसे वीडियोज आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए इसका सीक्रेट जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सो गाइस, जैसा कि हमने देखा इसे स्मैश करना इम्पॉसिबल है, बट मैंने कैसे इसे कागज़ में रख के एकदम से स्मैश कर दिया और ये वेनिश हो गया। जानना है एकदम सिंपल सा सीक्रेट है, इसके पीछे देख लीजिए। यहाँ पे मैं जो पेपर यूज़ करता हूँ ना, ठीक है, टूटा हुआ पेपर ही यूज़ करता हूँ इस बार। अभी देख लीजिए, ये हमारे पास पेपर होता है और यहाँ पे एक चीज़ छुपी हुई होती है, देखिए ये कटी हुई सेम बोतल का हेड, देख लीजिए ऊपर का जो होता है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको इसके ऊपर रख देता हूँ, जो कि आपको पता नहीं चलता। मैं इस तरह से आगे चुप कैसे रख देता हूँ, ठीक है, और इस तरह से होती है इसकी, देखिए रैपिंग, ठीक है, इस तरह से अच्छे से ये पैक हो जाता है। एंड गाइज, इसको मैं बाद में गिरा देता हूँ नीचे की ओर, देखिए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये गिर जाता है। आपको यहाँ पर लगता है कि बोतल इसमें है और इसको अंदर थोड़ा सा धक्का दे के इस तरह से स्मैश कर देता हूँ। सो गाइज, इसे आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, बट ये एक स्टेज म्यूजिक है, ये आप याद रखिए। यहाँ पर क्या करना है, आपको एक टेबल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कोई चीज़ रखनी है, या आप लड़के को बिठा सकते हैं, जो बोतल जो होगी वो गिरेगी उसे वो पकड़ लेगा, ठीक है, तो आवाज़ नहीं निकलेगी और आप इसे अच्छे से परफॉर्म अपने घर पर कर पाएंगे, कहीं पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बोतल वेनिशिंग ट्रिक। सो गाइस, अभी हमने जो दोनों ट्रिक देखी ना कार्ड वेनिश की, ठीक है, सिंपल सा एक ही सीक्रेट है जो दोनों की ट्रिक के पीछे है, ठीक है। अभी देख लीजिए, ये कार्ड होता है अचानक से वेनिश हो जाता है, जाता कहाँ है, तो गाइस एकदम सिंपल है, ठीक है। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, स्पीड चाहिए, प्रैक्टिस तो नहीं। देखिए, अभी अपना हाथ इस तरह से रखिए, इस कार्ड का एक कॉर्नर जो होता है उसे अपने हाथ में कुछ इस तरह से पकड़ लिए, ठीक है, इस तरह से पकड़ने के बाद दूसरा कॉर्नर पिंकी फिंगर से, ठीक है, इस तरह से पकड़ना है। अभी देखिए स्पीड से, एक दो और तीन, ठीक है, इस तरह से जाएगा और कार्ड होगा यहाँ पे, देखिए एकदम सिंपल सा इसका सीक्रेट है, देख लीजिए अभी, एक दो और तीन, ठीक है, इसी तरह से परफॉर्म करना है। आप चाहे तो तीन उंगली भी रख सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, और ये वेनिश हो सकता है। स्टेज मैजिक है तो दूसरों को साइड में पीछे आगे पीछे नहीं रखना, ठीक है, आगे ही रखना है, एक जहाँ पर परफॉर्म करते हैं उसके ठीक सामने रखना है, तो अच्छे से ये परफॉर्म आप कर लेंगे थोड़ी सी स्पीड और थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ। देखिए ये है और ये वेनिश, ठीक है, तो ये थी वो कार्ड ट्रिक। और जो दूसरी की, उसमें क्या किया, बस मैंने अपना हाथ रखा और इसे इस तरह से गैप कर दिया, ठीक है, तो बस इसी तरह से ये ट्रिक जो वो दोनों हो सकती है। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं सीक्रेट की ओर, ठीक है, यहाँ पे लड़का गायब किस तरह से होता है, एकदम सिंपल सा, ठीक है। अभी मैं आपको एक बार इस तरह से करके दिखाता हूँ, एंड बाद में जब दूसरी तरफ मैं इस तरह से रखता हूँ ना, तब ये लड़का पीछे चला जाता है, ठीक है, किस तरह से पीछे जाता है जो आपको दिखता भी है। सो गाइस, देखिए कुछ इस तरह से, देखिए ये अपना सर यहीं पर रखता है, अपने हाथ जो यहीं पर रखता है, और पहले ही देखिए हाथ हिलाने को बोलो, इस तरह से हिलाएगा, सर भी हिलाएगा, ठीक है, अच्छे से, तो देखने वाले को ऐसा लगता है कि लड़का यहीं पर है, ठीक है। अभी देखिए, ठीक है, इस तरह से लगता है, किसी को पता नहीं चलता कि वो लड़का यहीं पे है या नहीं। अभी वो गायब यहाँ से भी किस तरह से होता है, ठीक है, अभी मैं जब दूसरी बार इसको इस तरह से उठाता हूँ तो ये चला जाता है एकदम पीछे, ठीक है। अभी देखिए, ये इतनी देर में यहीं पे छुप जाएगा। अभी यहाँ पे चेयर है तो इसके पीछे देखिए, ये लड़का इस तरह से छुपा हुआ था, ठीक है, देख लीजिए अच्छे से, देख लीजिए। तो वहाँ सेम क्या होता है, म्यूजिशियन किस तरह से करता है गाइस, वहाँ पे पहले से स्टेज प्रिपेयर्ड होता है, तो वहीं पे वो म्यूजिशियन छुप जाता है। अभी मैं आपको देखिए, इस तरह से यहाँ मान लीजिए अगर खड्डा है, ठीक है, तो सीधा वो उतर नहीं उसी खड्डे में गिर जाएगा और वहाँ से वो म्यूजिशियन जो होता है वो गायब हो जाता है, ठीक है गाइस, एकदम सिंपल सा है। सो गाइस, अभी जो आपने देखा ना लड़के को गायब करने वाली, एकदम सिंपल सी है, मतलब दिखने में इतनी अच्छी नहीं लगती है, मुझे पता है, बट जो म्यूजिशियन करता है ना इसी तरह से करता है, ठीक है। पहले कुछ भी एक पर्दा ले लिया, कुछ भी ले लिया, ठीक है, कपड़ा ले लिया, उसको आगे रखता है, या तो कोई मतलब उसका जो असिस्टेंट होता है वो आगे आ जाता है, ठीक है, और वो म्यूजिशियन अपनी चेयर से गायब होके जो अपना स्टेज होता है ना उसमें भी एक गड्ढा होता है, ठीक है, छोटा सा, मतलब जो खुल जाता है उसमें अंदर चला जाता है, एकदम सिंपल सा, वो इतना फास्ट करता है ना कि आप लोगों को पता नहीं चलता। कभी कभी आपने देखा होगा वेनिश हो जाता है, वो बॉक्स में घुस जाता है, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है, जितना आप नहीं देख सकते वही मैजिक है, उसके पीछे जो सीक्रेट होता है एकदम सिंपल सा, आपको पता चल जाएगा तो मतलब आपको ऐसा लगेगा मतलब उल्लू ही बना रहा है, ठीक है। तो क्या करता है, वो अंदर चला जाता है, वो छुप के या तो वो पीछे से निकल आता है जहाँ से आप सोप दिख रहे हैं, ठीक है, वहीं एकदम से पीछे आ जाएगा, या तो दूसरी जगह से, ठीक है, कहीं से भी निकल के आता है, क्योंकि ये पहले से प्रिपेयर्ड होता है पूरी तरह से। सो गाइस, आज हमने देखा कार्ड वेनिश मैजिक ट्रिक,
बोटल वेनिस मैजिक ट्रिक एंड एक लड़के को गायब करके दिखाई, ठीक है। तो तीनों एकदम सिंपल सी है जिससे अपने आप घर पर आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। अभी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आज की जो ट्रिक थी वो आप लोगों को कैसी लगी। और हाँ, ऐसे वीडियोज आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर प्रेस कर दीजिए।